एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मीनू अरोड़ा। तो आज का जो डिस्कशन है वो रिगार्डिंग द नेट एग्जाम है। नेट का एग्जाम क्यों जरूरी होता है? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट के एग्जाम के साथ आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेट के एग्जाम के साथ आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बनती है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अभी रिसेंटली यूजीसी ने गाइडलाइंस इश्यू की हैं, जिसके अंदर यूजीसी ने मेंशन किया है कि नेट के साथ साथ आपका पीएचडी क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो नेट प्लस पीएचडी आपके लिए जरूरी है। तो हम लोग आज बात करेंगे नेट के एग्जाम के बारे में। नेट मीन्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट कंडक्ट कराती है यूजीसी बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अथॉरिटी है, वो कंडक्ट कराती है नॉर्मली ये नेट का एग्जाम। ये एग्जाम साल में दो बार ही होता है। नंबर वन होता है जून में और सेकेंड आफ्टर सिक्स मंथ जस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जून में और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होता है। नॉर्मली थर्ड वीक और द लास्ट वीक ऑफ जून एंड थर्ड वीक और द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब एग्जाम में दो चीजें हैं, एक होता है नेट और एक होता है नेट प्लस जेआरएफ। अब नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए। नॉर्मली नेट क्या है, अगर आप नेट को क्वालिफाई करते हैं तो नेट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो मेरिट है आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, आप जेआरएफ है क्या, नॉर्मली नेट की लिस्ट में जो मेरिट के बच्चे आते हैं वो यूजीसी डिसाइड करता है कि कितनी मेरिट उनको जेआरएफ की निकालनी है। तो वो जो जेआरएफ के बच्चे हैं नॉर्मली वो जेआरएफ जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेआरएफ करने के बाद आप एज अ रेगुलर पीएचडी कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एज अ रेगुलर पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली पीएचडी में एक कोर्स वर्क होता है, तो आपको रेगुलर पूरे 5 इयर्स का नॉर्मली ड्यूरेशन होता है, जिसमें 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स बोला जाता है। 3 इयर्स द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी। अब स्टार्टिंग में आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है यूजीसी से। वो फेलोशिप के लिए आपका प्रॉपर कोर्स वर्क है, आपका एग्जाम है, कोर्स वर्क एग्जाम भी होते हैं नॉर्मली। आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आपको क्लासेस शेड्यूल करनी है, आपको प्रॉपरली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है। तो पूरा एक शेड्यूल चलता है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रेगुलर पीएचडी ज्वाइन करते हैं। लेकिन टोटल 5 इयर्स तक आपको फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन 5 इयर्स तक फेलोशिप अवेल करने के लिए 2 साल की आपकी जो फेलोशिप है, 2 साल आप एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आते हैं, जेआरएफ आपको मिलता है। थर्ड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया जाता है एज अ सीनियर रिसर्च फेलो। तो नॉर्मली स्टार्टिंग में जो इनिशियल जेआरएफ का अमाउंट मिलता है वो अराउंड 20,000 के अप्रॉक्स मिलता है। लेकिन जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं तो नेक्स्ट 3 इयर्स का यानी 2 साल के बाद जो 3 साल का जो अमाउंट है वो आपको अप्रॉक्स 35,000 तक मिलता है। 28,000 टू 35,000 का अप्रॉक्स ये अमाउंट मिलता है अगर आप एज अ रेगुलर पीएचडी स्कॉलर बनते हैं तो आफ्टर क्वालिफाइंग द जेआरएफ। लेकिन इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको इतने टाइम पीरियड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। अब ये तो बात रही जेआरएफ की, बात करते हैं यूजीसी नेट की। अब जेआरएफ में अगर आप जेआरएफ और नेट दोनों के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग दोनों के लिए ही पहली बात तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट होना जरूरी है, या फिर आप मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हैं। दैट मीन्स आपकी मास्टर लगभग कंप्लीट होने वाली है, मास्टर्स डिग्री या ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो मिनिमम परसेंटेज जो है आपके 55% होते हैं अगर आप अपीयर होना चाहते हैं नेट के एग्जाम में।
तो वो जो 55% का क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं तो उस केसेस में आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50% की। दैट मीन्स अगर आपके पास 50% मार्क्स है इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी एंड 55% मार्क्स है इन केस ऑफ मास्टर्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी यानी मास्टर्स लेवल पे आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द नेट एग्जामिनेशन। तो आप अपियर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया ये नेट एंड सेकेंड थिंग हमारी हो गई जेआरएफ। अब यहाँ पे नेट के एग्जाम में नॉर्मली होता क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। 2019 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नेट के एग्जाम में। नेट के एग्जाम में जो चेंजेस हुए हैं उसमें कुछ सिलेबस में बहुत सारे एडिशन किए गए हैं। फर्स्ट थिंग तो अब नेट का एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हो गया है। दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट के एग्जाम में, लेकिन जो है अब ये जो एग्जाम है इसके अंदर पेपर नंबर वन जो है सब के लिए, यानी आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में नेट में अपीयर होना चाहते हैं, नेट 84 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। नेट इन कॉमर्स, नेट इन मैनेजमेंट, नेट इन इकोनॉमिक्स, नेट इन फिलॉसफी, नेट इन सोशियोलॉजी, जितनी भी चीजों में मास्टर्स होता है उतनी ही चीजों में नेट का एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है। तो नेट के एग्जाम में जो पेपर नंबर वन है, तो पेपर नंबर वन में जो सिलेबस है वो है नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड इज देयर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज देयर, कम्युनिकेशन इज देयर, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज देयर, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल एंड एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन है। ये सारा जो है आपके पेपर नंबर वन का सिलेबस है। पेपर नंबर वन इज कॉमन फॉर ऑल द 84 सब्जेक्ट्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट देना चाहते हैं तो पेपर नंबर वन जो है कॉमन रहेगा आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब बात रही पेपर नंबर टू की, तो पेपर नंबर टू जो है आपका चॉइस का पेपर है जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की है। मान लीजिए मैंने मास्टर्स की है इन कॉमर्स, एम कॉम किया है, तो मैं नेट अप्लाई करूंगी नेट इन कॉमर्स। एमबीए का स्टूडेंट नेट अप्लाई करेगा इन मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स अगर आपने मास्टर्स में की है, एमए इन इकोनॉमिक्स हैं आप, तो आप नेट को अप्लाई करेंगे इन योर फील्ड इन इकोनॉमिक्स। तो ये सब आपके नेट के एग्जाम को पेपर नंबर टू आपके चॉइस पे बेस्ड होता है। अब पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू का पैटर्न क्या है। पेपर नंबर वन का पैटर्न 2019 में ये सब चेंज हुआ है। 2019 से जो पेपर नंबर वन का पैटर्न है वो हो गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पेपर नंबर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है पेपर्स क्वेश्चंस में, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो पेपर नंबर वन के लिए जो टाइम मिलता है आपको अटेम्प्ट करने का वो 1 आवर का मिलता है। तो 50 क्वेश्चन है आपके, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 50 × 200 मार्क का आपका हो गया पेपर नंबर वन। अब बात करें कि पेपर नंबर वन अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर नंबर टू चेक किया जाता है, क्योंकि पेपर नंबर वन सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना है, वो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है। तो पेपर नंबर वन क्वालिफाई करने के लिए उसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है, वो दिया गया है पेपर नंबर वन का 40% फॉर जनरल कैटेगरी। तो 100 मार्क्स का पेपर है पेपर नंबर वन, तो 40 मार्क्स अगर कोई जनरल कैंडिडेट अटेम्प्ट कर लेता है तो एलिजिबल हो जाता है, पेपर नंबर वन क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद पेपर नंबर टू चेक किया जाता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में जो हमारा पेपर नंबर वन है उसमें 35% हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। तो 35% मीन्स 100 का 35% इज 35 मार्क्स। पेपर नंबर वन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है।
अब आते हैं पेपर नंबर टू पे। पेपर नंबर टू आपका स्पेशलाइज पेपर है। स्पेशलाइज पेपर के लिए आपका जो पेपर है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो ये पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का इसके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है। तो इन टोटालिटी हमारा पूरा नेट का एग्जाम 3 आवर्स का होता है। अब 2 आवर्स का हमें टाइम पीरियड दिया गया है इसमें, लेकिन इसमें भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 40% है फॉर द जनरल कैटेगरी। 40% मीन्स 200 मार्क्स मल्टीप्लाइड में 80 मार्क्स जो है आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप पेपर नंबर 2 क्वालिफाई करते हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी को तो 35% आपका क्राइटेरिया है। तो 200 का 35% 70। तो ये हो गया हमारा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने का ये मतलब नहीं है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे नेट, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यूजीसी ने यहाँ पे क्वालिफाइंग कट ऑफ रेट जो है मेरिट का इश्यू किया है वो 2020 के लिए 6% है। 6% कैंडिडेट्स ही ओनली एलिजिबल किए जाएंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो नेट एग्जाम के लिए टोटल जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 6% रखा गया है टोटल कैंडिडेट्स को लेके। तो एग्जाम टफ होता है, एग्जाम इजी नहीं है, क्योंकि जो आपका स्पेशलाइज पेपर है उसमें भी अराउंड 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो आई क्वालिफाइड नेट जेआरएफ इन 2011। उसके बाद रेगुलरली मैं नेट जेआरएफ की क्लासेस ले रही हूँ बच्चों की। दिल्ली में भी मैंने बहुत 3 साल तक क्लासेस ली हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स की। अब यहाँ पे यूट्यूब में इस चैनल के थ्रू आपको रेगुलरली पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे यूजीसी नेट के। साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर करेगा मेरा चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट। सो प्लीज स्टे इन टच। इफ यू वांट टू क्लियर योर पेपर यू कैन ज्वाइन द कोचिंग विद मी, और इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाय सेल्फ आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी पास हो सकते हैं। तो उस केस में आप रेगुलरली वॉच करिए वीडियोस, रेगुलरली अपना टाइम टेबल सेट करिए, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स को आप यूज करके डे बाय डे अपने टाइम टेबल में इंडल्ज करके आप इजीली नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन मैं करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।